खबर प्रतापगढ़ जनपद से, जहां कुंडा के पूर्व चेयरमैन व सभा नेता गुलशन यादव का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। पार्टी के कार्यक्रम में विवादित बयान दिया गया है। पूर्व चेयरमैन ने इस दौरान बयान देते हुए कहा, कोई नहीं डरवाएगा, डरवाने वाले जेल में मिलेंगे, उन्हें यूपी के जेलों में टहलाया जाएगा। पूर्व में मंत्री जी रह चुके हैं, जेल में फिर जाकर करेंगे मुआयना। बताते चले कि गुलशन यादव के भाई व सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव वर्तमान समय जेल की सलाखों में हैं, परंतु गुलशन यादव विवादित बयान के साथ बदले की भावना से राजनीति कर रहे। आज 18 दिसंबर को जनपद के बाबागंज विधानसभा के फौशाना गांव में सपा पार्टी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बतौर वक्ता गुलशन यादव ने वर्तमान विधायक पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, कुछ दिनों पूर्व ही पार्टी के कार्यक्रम में कुंडा विधायक को प्रजा और दूसरे के जमीन पर कब्जा करने वाली बात कहकर गुलशन यादव ने एक बयान दिया था। पूर्व चेयरमैन सपा नेता गुलशन यादव के इस बयान से मंच पर ठहाकेदार हंसी के साथ गुलशन यादव के नाम के नारे भी लगे। यहां के विधायक केवल बैसाखी हैं। गुलशन यादव आए दिन अपने बड़बोलेपन बयान के जरिए सुर्खियों में रहते हैं। आइए देखते हैं सपा नेता गुलशन यादव ने कार्यक्रम में और क्या कुछ कहा। सभी सामने जो मंच पे, मंच के सामने जो माताएं बहनें युवा साथियों, सबको सादर प्रणाम। सारी चीज तो आप सबको जानकारी हो गई है, बस दो चार चीजें हमको और बतानी है। यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं वो एक बैसाखी हैं। जब उनके दरवाजे पे जाएंगे तो हाफ पैंट पहने हुए आपको खट बैठे मिलेंगे कि आप आइए कोठी पे, तो पूछ लेंगे तो लेटर बना देंगे, लेटर नहीं बना पाते तो रोड क्या बनवाएंगे आपकी। वो माननीय विधायक जी यहाँ के जो हैं, और शाम सुबह में दो चार बार पटमार भी खा जाते हैं अगर ज्यादा लिए रहते हैं। अगर बड़े वाले विधायक जी अगर ज्यादा छाने रहते हैं तो दो चार पटमार भी देते हैं। और एक है एज ए विधायक, वो तो मान लीजिए दूसरे तीसरे दिन पाते रहते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको यहाँ से प्रत्याशी बनाए, उन्हें आप लोग विधायक बनाइए, और आप वोट देते हैं, आपको वो भय देते हैं, आप देखते हैं इधर उधर तब अपनी बात करते हैं। डरिए नहीं इन चोरों से, हम जानते हैं कितने बड़े गुंडे हैं, कितनी बड़ी गुंडी है। हमारे छोटे भाई सबनाथ यादव से इतना डरते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनने चल रही है, ये फिर से वही रहेंगे जहां थे बहन जी की सरकार में, आप देखिएगा। दूसरों के पैसे पे रंगबाजी करते हैं, गुंडई करते हैं, प्रधानों के पैसे खाके गुंडई करते हैं, नई नई गाड़ियों से टहलते हैं, और प्रधानों को धमकी देते हैं कि अगर नहीं आओगे तो ठीक है, कार्यक्रम नहीं कराओगे, कार्यकर्ताओं को लेके नहीं आओगे, तुम्हारे खाते सीज करा देंगे। जो बड़े वाले विधायक जी हैं वो बहुत बड़े खुदी चोर हैं, आप देखिए सीबीआई जांच चल रही है। खाद्यान्न घोटाले का अगर चोर न होते तो क्यों सीबीआई जांच होती, चल रही ना भाइयों, अभी तक सीबीआई जांच चल रही है खाद्यान्न घोटाले का। और हमारे प्रधान भाइयों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि कार्यक्रम में आप जनता को लेके आइए, आप 100 गाड़ी लेके आइए, आप 200 गाड़ी लेके आइए, नहीं लेके आएंगे तो खाते सील हो जाएंगे, आपको परेशान किया जाएगा, आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। 3 महीने बाद इनके खाते सील होंगे और आप लोग को बच्चे से काम